सोलन में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप आखिरकार टिकट लाने में सफल हो ही गए। टिकट को लेकर काफी खींचतानी रही, लेकिन किसी न किसी तरह उन्होंने अपना पड़ाव पूरा कर ही लिया। गौरतलब है कि भाजपा में करीबन सोलन से 5 कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया था। जाहिर सी बात है कि जब एक को टिकट मिला है तो दूसरे गुट में नाराजगी भी होती है, लेकिन राजेश ने टिकट मिलते ही उन सब के संपर्क साधना आरंभ कर दिया जो टिकट के चाहवान थे। टिकट मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से मुलाकात की और बताया कि वह किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में सोलन की जनता पानी के लिए प्यासी रही है, जो पानी मिलता भी है वह शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां करीबन 40 चिकित्सक होने चाहिए थे, वहां मात्र 18 चिकित्सकों से काम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहद गिर चुका है, यही सब मुद्दे लेकर वह जनता के बीच जाने वाले हैं।